वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं बना रही हूँ चिकन निज़ामी। चिकन निज़ामी के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ली है, हड्डी वाली। और यहाँ पर एक पेस्ट रेडी करेंगे ग्रेवी के लिए, जहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा है होल, 1 टीस्पून खसखस, 2 सिनेमन, 3 ग्रीन इलायची, 4 लौंग एंड 2 टेबलस्पून डेजिकेटेड कोकोनट है। और यहाँ पर 10 होल रेड चिलीज़ हैं। इन सबको हम एक साथ ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने सैफ्रॉन ली थी, जिसे मैंने रोस्ट करके क्रश करके हॉट मिल्क में डिसॉल्व कर लिया है। इसे हम अपनी ग्रेवी में यूज़ करेंगे। यहाँ पे 1 बिग लार्ज अनियन है, जिसे हम फाइनली चॉप करेंगे और अपनी ग्रेवी रेडी करेंगे। यह हमारी अनियन फाइनली चॉप हो गई है। यहाँ पर हमने देखी में 1/4 कप ऑयल लिया है, इसमें हम चॉप अनियन ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने देखी में चॉप अनियन ऐड कर दिया। अब इसे ब्राउन होने तक हम सौते करेंगे। यहाँ पर हमारी अनियन ब्राउन हो गई है। अब इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 30 सेकेंड्स के लिए सौते करेंगे। जिंजर गार्लिक को सौते करने के बाद इसमें हम 2 बे लीव्स ऐड करेंगे और ग्राउंडेड पेस्ट जो हमने रेडी किया था रेड चिलीज़ का और कोकोनट का, वो ऐड करेंगे। थोड़ा ग्राउंडेड पेस्ट का पानी ऐड करेंगे। इसे मैंने सैफ्रॉन मिल्क के साथ ब्लेंड किया था रेड चिली पेस्ट को। हम सौते करेंगे 5 to 6 मिनट्स के लिए। हम इसे सौते करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। 5-6 मिनट मैंने इसे अच्छे से सौते किया था, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसे हम 10 मिनट्स के लिए ढक के कुक करेंगे। फ्लेम हमने स्लो कर देनी है एकदम और इसे 10 मिनट के लिए कवर करके कुक करना है। यहाँ पर चिकन को 10 मिनट्स हो गए हैं पकते हुए, इसने अच्छे से मसाला कोट कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे। होममेड कोकोनट मिल्क है ये। 2 ग्रीन चिलीज बड़े बड़े पीसेस कट करके ऐड करेंगे हम इसमें। 4 टेबलस्पून दही कर्ड हम ऐड करेंगे इसमें। 1/4 टेबलस्पून दही ऐड करने के बाद इसे 10 मिनट्स हमें और ढक के पकाना है, जब तक हमारी चिकन पक नहीं जाती। इसके बाद हम इसमें 4 टेबलस्पून क्रीम और हरा धनिया से गार्निश करके इसे सर्व करेंगे। यहाँ पर हमारी चिकन निज़ामी बिल्कुल तैयार है। इसे टोटली मैंने 20 मिनट पकाया है। हम इसमें हरा धनिया गार्निश करेंगे एंड 1/4 कप क्रीम से हम इसे क्रीम इसमें ऐड करेंगे और इसे 2-3 मिनट दम के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारी आज की डिश चिकन निज़ामी बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। बहुत ही क्रीमी लुक और टेक्सचर आया है इसका। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डू कमेंट आवर रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।